ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है, एक ठकुराइन और एक तवायफ दोनों को साथ साथ लाया है। वाह, ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रहे हो बड़ी मां, और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुराइन अपनी सहेली कहती है एक बाजारू औरत है। क्यों सासू मां? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम, जवाब दो। शर्मिंदा है, इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुराइन भी रखने लगे कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है, बिना छुए न उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी। उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता चंद्रमुखी। ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादे पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हुआ इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन वापस उसी दुनिया में, शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। जाने से पहले आपसे माफी मांगना चाहते हैं, चंद्रमुखी की बात हमने सारे गांव के सामने कह दी, गलती हो गई, लेकिन दोबारा हमने ये गलती नहीं की। हमने आपकी और देवदास की दोस्ती की बात सिर्फ आपके पति और बड़ी मां से कह दी है। आपको कान खींचने की रस्म पसंद थी ना, हमें नाक काटने की। चलते हैं। उंगलियां पार्वती पर नहीं, हम पर उठेंगी। मैं तो कहती हूँ ये बात आज इसी वक्त इस कमरे में खत्म हो जानी चाहिए, बस। आपने हमें बुलाया? हाँ पार्वती, आज हम ये जानना चाहते हैं कि देवदास कौन है। देवदास हमारे बचपन का साथी है, जैसे वो शरीर और हम पर छाई, वो हमारा प्यार भी है और गुरूर भी, और वो हर पल हमारे साथ है। जानती हो तुम क्या कह रही हो पार्वती? वही जो उस रात आपने हमसे कहा था, बेशक आप इस हवेली की ठकुराइन हो पार्वती, हमारे बच्चों की माँ, पर हम सुभद्रा को कभी नहीं भुला सकते। सुभद्रा हमारी पत्नी थी। सुभद्रा आपका पहला प्यार था और देवदास हमारा, और पहला प्यार तो उम्र के फर्क की तरह होता है, जिसे चाहकर भी नहीं मिटा सकते। पार्वती तुम भूल रही हो कि तुम इस हवेली की ठकुराइन हो। हाँ, शायद इसीलिए आपकी नजर में हम गुनहगार हैं। आप जो भी सजा देना चाहे हमें मंजूर होगी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी पार्वती। कल तक लोग इस हवेली के बंद दरवाजों के बाहर अदब से सर झुकाते थे, पर आज वहीं खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आज के बाद तुम इस हवेली के चौखट के बाहर कभी कदम नहीं रखोगी, यही है तुम्हारी सजा। सजा हम क्या देंगे पार्वती, सजा तो हम भुगत रहे हैं। गए थे पूजा का दिया जलाने भुवन, और घर जला बैठे, और जो दिया घर जलाने की बात करे उसे वही बुझा देना चाहिए।